Hello students, let's discuss quiz challenge 7. Comparatively ये quiz आपके last दो quiz से ज़्यादा simple है, right? तो I hope आप इसमें अच्छा score किए होंगे. Chemical kinetics topic पे quiz है ये. So first question is, देखिए इसमें concentration of A and B given है और अलग अलग concentration पे rate of reaction calculate की गई है. Fine. अब हम देखते हैं फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ये डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन है. इनमें आप देखो सेकेंड और थर्ड एक्सपेरिमेंट में ए की वैल्यू 0.6 0.6, मतलब ए की वैल्यू कॉन्स्टेंट रखी गई है, राइट? एंड बी की वैल्यू को डबल कर दिया गया है. तो अब हम इन दो रिएक्शन का रेफरेंस लेकर, ए की वैल्यू कॉन्स्टेंट है तो हम ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू बी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है? तो लेट स्टार्ट विथ थर्ड एंड सेकेंड रिएक्शन. रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ थर्ड अपॉन रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ सेकेंड. तो रेट रेशियो हम कैलकुलेट करेंगे इस केस, इन केसेस में. थर्ड रिएक्शन में क्या बनता है हमारा, 0.6 इनटू के ऑफ कॉस टू द पावर ए. लेट सपोज ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए इज स्मॉल ए एंड ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी इज स्मॉल बी. ओके, K इंटू 0.6 ये थर्ड रिएक्शन के लिए हम लिख रहे हैं, लास्ट वाले रिएक्शन के लिए, इंटू 0.8 टू द पावर B डिवाइडेड बाय K इंटू 0.6 टू द पावर A 0.4 टू द पावर B. दिस इज इक्वल टू 28800 अपॉन 7200. तो आप यहां देख सकते हो A वाली वैल्यू तो कैंसिल हो गई है, इसका मतलब हमें अब जो मिलेगा वो मिलेगा ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी कितना है, ठीक है? तो ये कैलकुलेट करने पे 2 टू द पावर बी आया, ये तो कैंसिल हो गया, इधर पूरा कट गया. ये 2 टू द पावर बी इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4. बी की वैल्यू आ रही है 2, मतलब ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी इज 2. अब हम हेल्प लेते हैं दूसरे रिएक्शन. जब आप ये सॉल्व कर चुके हो तो अब आप किसी भी दो रिएक्शन को कंसिडर कर रहे हो, तो मैं कंसिडर करती हूँ 2/1. ओके, 7200 डिवाइडेड बाई 600 इज इक्वल टू, देखते हैं सेकेंड केस, पहले सेकेंड केस को लिख लो, 0.6 टू द पावर ए इंटू 0.4 टू द पावर बी. अब बी तो आप निकाल चुके हो ना, बी की वैल्यू तो 2 आ चुकी है. फाइन, दिस इज 2, वी नो. डिवाइडेड बाई के इंटू 0.2 टू द पावर ए इंटू 0.2 टू द पावर 2. फाइन. तो अब ये वाली जो एक्सप्रेशन आप लिखे हैं ये फर्स्ट रिएक्शन का है, ऊपर का एक्सप्रेशन सेकेंड रिएक्शन का है, उनका रेशियो आप निकाल लियो. तो अब देखते हैं कितना बनता है ये. दिस इज इक्वल टू, इसको सॉल्व किया तो 4 आ रहा है, ये कितना बन रहा है 2 स्क्वायर, और ये कितना बन रहा है 3 टू द पावर ए. के तो कैंसिल हो गया, इट मीन्स 3 टू द पावर ए इज इक्वल टू 3, है ना? ए की वैल्यू 1 आ गई. तो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए इज 1 एंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी इज 2. तो यहाँ हमारा आंसर चला जाएगा फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू ए एंड सेकंड विद रिस्पेक्ट टू बी, ऑप्शन नंबर डी. क्वाइट इजी, बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत फ्रिक्वेंटली एग्जाम में आता है. क्वेश्चन नंबर 2, अ सैंपल ऑफ 0.9 मोल ऑफ N2O इज प्लेस्ड इन सील्ड कंटेनर where it decomposes irreversibly into N2 and O2, ठीक है? तो N2O का एक सैंपल है और वो इररिवर्सिबली N2 और O2 में डिकम्पोज हो रहा है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हुए. फाइन, आफ्टर 42 मिनट्स के बाद, सो यू हैव इनिशियली 0.8 मोल्स, 42 मिनट्स के बाद कितना रह गया है, 0.64 मोल्स रह गया है, राइट? फिर कहता है हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर 90% टू बी कंप्लीट. अब 90% रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, इसका मतलब 10% रिमेनिंग रहेगा, है ना? तो 0.9 टाइम पता नहीं, टाइम कैलकुलेट करने को दे रहा है, 90% कंप्लीट हो चुका, इट मींस 10% इज रिमेनिंग, तो इट इज 0.09. ओके, बस इस टाइम को हमें कैलकुलेट करना है. तो हम जानते हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का जनरल इक्वेशन इज KT इज इक्वल टू 2.303 log C0 अपॉन
सी टी है ना, ठीक है। अब इसमें आप वैल्यू जानते हो, इसकी वैल्यू 0.9 है, ये वाली वैल्यू 0.64 है फर्स्ट केस में। फिर से हम देखेंगे, ये टाइम दिया हुआ है, ये टाइम है 42 मिनट्स। अब नेक्स्ट केस में आप देखिए, K इंटू टी डैश रिएक्शन तो सेम है ना, तो K की वैल्यू तो सेम रहेगी, इज इक्वल टू 2.303 लॉग सी नॉट, सी नॉट की वैल्यू 0.9 अपॉन 0.09। ये सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू तो बड़ा सीधा सा आ गया, ये वैल्यू तो लॉग 10 की वैल्यू 1 आ जाती है, तो ये तो सिंपल सा है, बस यहाँ पर कैलकुलेट करना है आपको। तो इट मीन्स 42 अपॉन टी डैश इज इक्वल टू लॉग 0.9, 0.64। इसको सॉल्व किया, दिस इंप्लाइज 42 अपॉन टी डैश इज इक्वल टू, ये सॉल्व करने पे आ जाएगा लगभग 0.147, ठीक है। टी डैश की वैल्यू कितनी बनेगी, 42 अपॉन 0.147 एंड दैट इज इक्वल टू 284 अप्रोक्सीमेटली, डी ऑप्शन आ जाएगा आपका आंसर, 284 मिनट्स में, ठीक है ना। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इरिवर्सिबल रिएक्शन दिया हुआ है और उसे स्टडी करा गया है डिफरेंट कंडीशंस पे, ठीक है। तो एक केस देता है कि बी की वैल्यू बहुत ज्यादा है व्हेन कंपेयर टू ए, देन व्हेन बी इज 0.1 मोलर, अ प्लॉट ऑफ 1 अपॉन ए वर्सेस टाइम इज लीनियर। इसको ध्यान रखना, जब हम बी को 0.1 ले रहे हैं उस टाइम पे 1 अपॉन ए वर्सेस टाइम इज लीनियर, ठीक है। 1 अपॉन ए वर्सेस टाइम, 1 अपॉन ए वर्सेस टाइम इज लीनियर, ऐसा ग्राफ आ रहा है। अब कहता है कि जब हम बी को 0.3 लिए तो भी द प्लॉट ऑफ 1 अपॉन ए वर्सेस टाइम इज इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम फर्स्ट वन, मतलब बी को 0.3 लेने के बाद भी प्लॉट यही आ रहा है, ठीक है। इट मींस बी की कॉन्सेंट्रेशन क्या है उस पे प्लॉट डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो हम कह सकते हैं कि बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज जीरो। बी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बी को आप 0.1 लो 0.3 लो, हमेशा प्लॉट वही मिल रहा है आपको, ठीक है ना। फाइन, तो बी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है रेट ऑफ रिएक्शन को, तो इट मींस बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर इज जीरो। अब हम देखते हैं, अब क्या बात है, 1 अपॉन ए वर्सेस टाइम इज लीनियर, ठीक है। तो 1 अपॉन ए यहाँ पर दिस इज टाइम। अब आप ये बात जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा एक जनरल इक्वेशन है ना, एक जनरल इक्वेशन है 1 अपॉन एन माइनस 1 इंटू 1 अपॉन सी टी टू द पावर एन माइनस 1 माइनस 1 अपॉन सी नॉट टू द पावर एन माइनस 1 इज इक्वल टू के टी, ठीक है। दिस इज जनरल इक्वेशन, nth ऑर्डर के लिए ये जनरल इक्वेशन होती है, और इस इक्वेशन को देखकर आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, ठीक है। तो ये इक्वेशन जैसे ही आप n माइनस 1 को kt से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, ये इक्वेशन का जो सीन है वो y इज इक्वल टू mx प्लस c का बन जाएगा, ठीक है। और फिर वहां पर आप देखना कि ये जो ग्राफ आती है, जब हम y इज इक्वल टू mx c, mx प्लस c वाला ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो हमारा ग्राफ कैसा बनेगा, 1 अपॉन ct टू द पावर n, दिस इज n माइनस 1, इधर टाइम को प्लॉट किया, इधर ct को प्लॉट किया, ठीक है ना, ct जनरल है, इसको प्लॉट किया, हमें मिलेगा इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट की वैल्यू आएगी 1 अपॉन सी नॉट टू दी पार एन माइनस 1, ठीक है, ओके। और स्लोप की वैल्यू कितनी आएगी, जब k से n माइनस 1 मल्टीप्लाई हो गया है तो स्लोप की वैल्यू आएगी k इंटू एन माइनस 1 इंटू टी, था तो t तो यहाँ चला गया, x बना लिया t, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि देखो यहाँ पर जैसे ही 1 बाई ए वर्सेस टाइम प्लॉट किया तो वो लीनियर आया। आप जानते हो 1 बाई सी टी टू दी पावर एन माइनस 1, एन माइनस 1, राइट, मतलब अगर हम 1, अगर हम लीनियर प्लॉट चाहते हैं ना, इफ यू वांट अ लीनियर प्लॉट सी टी वर्सेस टाइम के बीच में, अगर आप लीनियर प्लॉट चाहते हो तो आप एन की माइनस, एन माइनस 1 की वैल्यू कितना रखना चाहोगे, एन माइनस 1 शुड बी इक्वल टू 1, राइट। अगर एन माइनस 1 की वैल्यू 1 है तभी तो 1 अपॉन सी टी वर्सेस टी की वैल्यू, ये जो ग्राफ है ये लीनियर आएगी, ठीक है ना। अब n माइनस 1 की वैल्यू अगर 1 है, इट मींस n इज इक्वल टू 2, तो ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू a हमें कितना मिल रहा है, 2। अब आप ये बात समझो कि अगर ये रिएक्शन अभी तो सेकेंड ऑर्डर का आया है, अगर ये थर्ड ऑर्डर का रिएक्शन होता
तो उसमें क्या होता, वन अपॉन सी टी टू दी पावर टू वर्सेस टी की जब हम इक्वेशन निकालते तो वो स्ट्रेट लाइन आती, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है, वन अपॉन सी टी टू दी पावर एन माइनस वन वर्सेस टी की इक्वेशन स्ट्रेट लाइन होती है। ओके फाइन, अभी तो हमें बोला वन अपॉन सी टी, इट मीन्स सी टी के ऊपर पावर वन है, ठीक है। तो एन माइनस वन मस्ट, दिस एन माइनस वन मस्ट बी इक्वल टू वन फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर वन अपॉन सी टी लिखा हुआ है, केवल वन अपॉन ए लिखा हुआ है, राइट। ओके सो ये समझ गए हम तो अब कि ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर टू है और बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर जीरो है, सो विल गो बाय द ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। तो सिंपल सा था ये भी। नेक्स्ट कमिंग टू फोर्थ क्वेश्चन, अ रूल ऑफ थंब इज दैट अ रिएक्शन रेट रफली डबल्स। बिल्कुल, अगर हम 10 डिग्री सेल्सियस से एक रिएक्शन के टेम्परेचर को बढ़ा दें तो उसकी रेट डबल हो जाती है। व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन हुज रेट एग्जैक्टली डबल्स बिटवीन 25 डिग्री सेल्सियस एंड 35 डिग्री सेल्सियस। तो रेट डबल हो रही है, इसका मतलब है के डबल हो गया होगा, राइट। तो के और टी के बीच में आप एक रिलेशन जानते हो, रिलेशन क्या होता है, लॉग के टू अपॉन के वन इज इक्वल टू ea upon 2.303 r into 1 upon t1 minus 1 upon t2, right? ये relation होता है। अब question में कह रहा है कि आपका rate double हो गया है, इसका मतलब है log 2, temperature को बढ़ाने पे rate double हो गया, ea upon 2.303 into r into, अब देखते हैं ये क्या 25 degree celsius है ना, तो ये तो आपका बन गया 298, एक बन गया 298 और दूसरा 10 डिग्री सेल्सियस उससे ज्यादा है, तो दूसरा क्या बन गया 308। डिफरेंस कितने का है, 308 माइनस 298 इज 10। अब ये ध्यान रखना कि सारे ऑप्शन आपको किलो जूल पर मोल में दिए हुए हैं, तो आर की वैल्यू आप 8.314 अपॉन 1000 पुट करना, ठीक है ना। ठीक है फाइन, लॉग टू की वैल्यू तो आप जानते हो 0.3010। तो हम यहां से ईए कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करने पे हमें ईए की वैल्यू मिलेगी 52.9 किलो जूल पर मोल। ओके ऑप्शन नंबर ए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एट 650 केल्विन बीटा पाइनीन आइसोमराइजेस। तो ये आइसोमराइज हो रहा है, सब्सटेंस हमारा आइसोमराइज हो रहा है दो सब्सटेंसेस में, फाइन। एक तो ये आइसोमराइज होकर बनाया 4-isopropynyl 1-methyl cyclohexene और एक बना रहा है माइरोसीन, ठीक है। तो अब ये दो सब्सटेंस बन चुके हैं फ्रॉम एक सब्सटेंस दो सब्सटेंस को फॉर्म किया है। अब कह रहा है द फॉर्मर रिएक्शन, पहले रिएक्शन की रेट कांस्टेंट गिवन है, सेकेंड रिएक्शन की भी रेट कांस्टेंट गिवन है, आपको बताना है ओवरऑल रेट लॉ। तो आप पढ़े हो पैरेलल रिएक्शन, राइट। अगर ए बी भी फॉर्म करे और अगर ए सी भी फॉर्म करे और ए फर्स्ट रिएक्शन की के की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, फर्स्ट रिएक्शन की के की वैल्यू है 0.22 सेकंड इनवर्स, ओके। सेकंड रिएक्शन की के की वैल्यू है 0.13 सेकंड इनवर्स। तो जब के की वैल्यू गिवन होती है, दोनों के आपके पास है, तो के ओवरऑल कितना आता है जानते हो, के ओवरऑल आता है के वन प्लस के टू इन पैरेलल रिएक्शन। फिर यहाँ पर एड करने से ये कितना बन जाएगा, 0.35 सेकंड इनवर्स, राइट। अब आपको एक बार जब ये मिल गया है तब तो आप रेट एक्सप्रेशन लिख सकते हो ना। रेट एक्सप्रेशन क्या होगा, के ओवरऑल इनटू ए की कॉन्सेंट्रेशन। तो हमारा कौन सा आंसर बन जाएगा फिर, ऑप्शन नंबर डी, राइट, फिफ्थ का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में एक रिएक्शन दिया हुआ है। अब कहता है कि इस रिएक्शन की अगर रेट इज के इंटू, रिएक्शन की रेट गिवन है, ठीक है ना। अब रिएक्शन की रेट देने के बाद ही आपसे पूछ रहा है कि मैकेनिज्म क्या होगा, तो दोनों वे में ये क्वेश्चन बनता है। एक तो क्वेश्चन होता है कि मैकेनिज्म देकर आपसे रेट पूछे, फिर आप जाते हो स्लो स्टेप को ढूंढते हो, फिर स्लो स्टेप से आप किसी एक डेटा को सब्स्टिट्यूट करते हो विद द हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और इस क्वेश्चन में उल्टा पूछा है, तो उसको भी हम अप्रोच कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, देखते हैं कौन सा केस है। तो रेट गिवन है, मैकेनिज्म बताना है कौन सा मैकेनिज्म होगा। तो पहले ढूंढो ये कहां पर दिख रहा है, ये जो रिएक्टेंट्स हैं ये कहां पर नजर आ रहे हैं, हमेशा ढूंढना। अगर हो आपको
टू डिफाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हमेशा एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में रेट डिटरमिनिंग स्टेप को ही ढूंढना, ठीक है? RDS ही वो होता है जो आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तक लेकर जाएगा. ओके, तो हम फर्स्ट रिएक्शन को देखते हैं. फिर स्लो एक दिया है, फास्ट एक है, स्लो. और स्लो में कौन कौन है? स्लो में तो दो आयन है, ये दोनों आयन है स्लो में. लेकिन स्लो अगर हम ए की हेल्प से अगर हम लिखने लगे, ए की हेल्प से रेट कांस्टेंट, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी पता है? आप ऐसे करके लिखोगे दैट माय रेट इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू स्लोएस्ट स्टेप, रेट इज इक्वल टू के इनटू, दोनों आयन को आप लिख दोगे, फाइन, ये लिख दिया. अब यहाँ पे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप इस सी एल माइनस को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हो, राइट? और आपको क्वेश्चन में जो चाहिए वो ये दोनों आयन चाहिए. देखते हैं सॉल्व करके आगे कुछ होता है क्या. चलो फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प लेते हैं. फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प लीजिए, के ई क्यू विल बी इक्वल टू सी एच थ्री सी होल थ्री सी ओ एच होल टू सी ओ एच टू प्लस डिवाइडेड बाई एच प्लस इन टू सी एच थ्री सी ओ एच और ये होल थ्री, ठीक है? ये टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है. ओके, तो अब हमने ये तो के ई क्यू कैलकुलेट कर लिया पहले वाली रिएक्शन से, जो पहली वाली इक्विलिब्रियम रिएक्शन दी हुई है उससे. अब आप क्या करो, अब सी एल माइनस की वैल्यू तो हम सब्स्टिट्यूट कर नहीं सकते, लेकिन हम इसकी वैल्यू तो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ना. तो हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू कितनी मिल रही है, इन तीनों का प्रोडक्ट, इन तीनों का प्रोडक्ट, ठीक है? बस ये एक दो तीन, इन तीनों का प्रोडक्ट लेकर आप यहाँ पर रख दिए पहले रिएक्शन में. अब ये रखने के बाद आपको ये तो कभी नहीं मिल रहा जो क्वेश्चन चाह रहा है, राइट? तो इसका मतलब हमारा फर्स्ट ऑप्शन फिर गलत हो गया है. हम आएंगे अब सेकेंड ऑप्शन में. सेकेंड ऑप्शन में आते हैं. सेकेंड ऑप्शन में देखो स्लो, वापस से स्लो स्टेप एक दिया हुआ है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, वहां पर जाएंगे. स्लो स्टेप में आप देखिए क्या लिखोगे आप, रेट इज इक्वल टू के इन टू सी एच थ्री ओके होल थ्री फाइन ओ एच टू प्लस, राइट? ये लिखा, इसके अलावा तो कोई और है ही नहीं स्लो स्टेप में, यहाँ पे बस इसके बारे में लिख दिया. अब देखते हैं फास्ट स्टेप में जाएंगे. फास्ट स्टेप में जाइए आप और वहां जाकर लिखिए के ई क्यू की वैल्यू लिखो आप. के ई क्यू विल बी इक्वल टू सी एच थ्री सी ओ एच टू प्लस डिवाइडेड बाई एच प्लस इंटू सी एच थ्री सी ओ एच होल थ्री टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, फाइन. चलो अब देखते हैं, अभी जो आपने ये लिखा था ना रेट, जो आपने इक्वेशन लिखी थी, इक्वेशन जो आपने लिखा था, अब ये जो रिएक्शन की इक्वेशन हमने लिखी है, इसमें से हम एक वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. कौन सा वैल्यू? ये वाली वैल्यू. आप इसके जगह पे, इसके जगह पे आप लिख सकते हो ये पूरा, इन सबको मल्टीप्लाई करके. किसको किसको मल्टीप्लाई करके? के ई क्यू एच प्लस और टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके हम उसे इस आयन की जगह पे लिख सकते हैं, राइट? तो चलिए वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, बड़ा आसान हो जाएगा अब तो. सी एच थ्री होल थ्री सी ओ एच टू प्लस इज इक्वल टू के ई क्यू एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इन टू सी एच थ्री होल थ्री सी ओ एच, फाइन. अब आप देखो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है काफी हद तक. बस अब आप जैसे ही यहां पर ये वाले इक्वेशन में रखोगे इस वैल्यू को, आपको एग्जैक्टली यही तो क्वेश्चन पूछ रहा था, के और के ई क्यू मिलकर एक नया कांस्टेंट बन जाएगा, ठीक है ना? और फाइनली आपके पास क्या बचा हुआ रह जाएगा, एच प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन, जो कि यहाँ पर है एच प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन, और क्या मिल जाएगा, सी एच थ्री होल थ्री सी ओ एच, सी एच थ्री होल थ्री सी ओ एच, फाइन. तो हमारा आंसर कौन सा चला जाएगा, बी. डायरेक्टली आंसर आ गया है, आप इसे बस देख कर भी सॉल्व कर सकते थे. ए ऑप्शन को एलिमिनेट करने में बस थोड़ा सा टाइम लग रहा है और कुछ नहीं. फाइन, क्वेश्चन नंबर सेवन में आते हैं. व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ CLF3 कॉन्सेंट्रेशन रिलेटेड टू रेट ऑफ चेंज ऑफ F2 कॉन्सेंट्रेशन, क्या रिलेशन है इनके बीच में, ये बताना है, ठीक है ना? चलो देखते हैं क्या रिलेशन है.
तो CLF3 जब रिएक्शन ये वाली दे रखी है तो आप जानते हो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CLF3, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CLF3 विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना लिखा है 2, ठीक है, तो हम यहाँ पर 1/2 करेंगे और क्योंकि ये प्रोडक्ट साइड में है हम माइनस से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। उसके बाद फ्लोरीन आ रहा है तो फ्लोरीन है -1/3 BF2/dT। बस चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो रिलेशन हमें क्या मिलेगा देखते हैं, BClF3 ये दिस इज इक्वल टू 2 को उधर भेजोगे -2/3 DF2/dT, तो ये बड़ा सिंपल सा है, ऑप्शन नंबर सी हो गया। देन कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कह रहा है जब हम कैटलिस्ट को ऐड करेंगे तो ग्राफ किस तरह से चेंज होगा। तो आप जानते हो एक रिएक्शन में कैटलिस्ट का रोल क्या होता है, एक रिएक्शन अपना नॉर्मली चल रहा है, ठीक है, आप उसमें जैसे ही कैटलिस्ट ऐड कर देते हो ना, कैटलिस्ट रिएक्शन की मैकेनिज्म को बदल देता है, ठीक है, रिएक्शन की मैकेनिज्म को बदल देगा और रिएक्शन में जो ट्रांजिशन स्टेट है, ठीक है, उसको वो चेंज कर देता है। तो एक रिएक्शन विदाउट कैटलिस्ट और एक रिएक्शन विद कैटलिस्ट अलग अलग ट्रांजिशन स्टेट से गुजरती है, और जिसमें कैटलिस्ट यूज किया गया है उस पर्टिकुलर रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है, ठीक है ना, जिसमें कैटलिस्ट यूज नहीं किया गया है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होती है, फाइन। तो हमेशा आप देखना कि जैसे एक रिएक्शन दिया है, मान लो ये है ब्लू में जो मैं ड्रॉ करूंगी ना, ब्लू में जो ड्रॉ किया वो है मेरा एक इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, और अगर मैं कुछ ब्लैक में ड्रॉ कर रही हूँ तो ये है इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो जो प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट वाला है ना, उसकी ट्रांजिशन स्टेट इस ब्लू वाले ट्रांजिशन स्टेट से मैच नहीं कर रही है, लेकिन इस कैटलिस्ट के ट्रांजिशन स्टेट को अचीव करना ज्यादा आसान है, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी, कैटलिस्ट वाले रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कम है, ठीक है, ओके फाइन। तो बस यही देखना है आपको, कैटलिस्ट में हमेशा जहां पर कैटलिस्ट यूज होगा उस रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा कम होगी, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा केस है, आप हाइट ऑफ ग्राफ हमेशा कम आएगा, तो ये वाला ग्राफ और क्वेश्चन का ग्राफ और ये वाला ग्राफ लगभग सेम हाइट का है, ये भी थोड़ा ज्यादा ही हाइट का है, ये तो सेकेंड ग्राफ। थर्ड ग्राफ में देखो हाइट डिमिनिश हो गई है, और हाइट डिमिनिश होने से क्या हुआ, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई। यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी कितनी, इतनी, ये है एक्टिवेशन एनर्जी, और यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी रिड्यूस हो गया है, राइट। तो एक्टिवेशन एनर्जी के रिड्यूस हो जाने के कारण आप कह रहे हो कि राइट, ये करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, डी ऑप्शन में क्या हुआ, डी ऑप्शन में देखो क्या गड़बड़ है, डी ऑप्शन में पहले तो रिएक्टेंट को यहाँ पर रखा है, रिएक्टेंट वो बढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है। प्रॉब्लम ये है कि एक केस में गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू को जीरो कर दिया है, ठीक है ना, तो ट्रांजिशन स्टेट की कभी भी एनर्जी इतनी कम नहीं होती, ट्रांजिशन स्टेट जो होते हैं वो बहुत कम स्टेबल होते हैं, ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट कम स्टेबल है ऑलवेज, उनकी एनर्जी हमेशा पीक पे होगी, हमेशा ज्यादा होगी, ऐसा नहीं होगा कि ये देखो यहाँ पर इसकी एनर्जी को इतना कम करके रखा है, तो ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी कम नहीं होती है, एनर्जी कम होती है रिएक्टेंट्स की, प्रोडक्ट्स की, दोनों में से किसकी कम होगी ये तो डिपेंड करेगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक रिएक्शन है, लेकिन एक ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी हमेशा ज्यादा होगी, वो एक अनस्टेबल स्पीसीज होता है, ठीक है, जो फर्दर टूटकर रिएक्टेंट बना देता है, ओके। तो ये डी ऑप्शन इसलिए नहीं हो सकता, यहाँ ट्रांजिशन स्टेट को बहुत स्टेबल बना दिया गया है, फाइन। तो हमारा फिर आंसर सही हो गया, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट कमिंग टू क्वेश्चन 9th, क्वेश्चन 9 एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें क्या दिया है देखो, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से मन लगा के समझना। मिथाइल आयोडाइड रिएक्ट्स इररिवर्सिबली विद एजाइड आयन, दोनों के बीच में रिएक्शन है, कह रहा है इररिवर्सिबल है, हर एक शब्द इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर कहता है रिएक्शन दे दिया है, फिर कहता है द रिएक्शन इज कैरिड आउट विथ एन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिथाइल आयोडाइड ऑफ 0.01 मोलर, ओके। तो CH3I की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.01 मोलर दे रखी है, एक की, फाइन।
विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है बताएंगे. द टाइम इट टेक्स फॉर CH3I टू डिक्रीज टू 0.005, मतलब 0.01 से आधी हो रही है कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ना. कहता है T half is independent of N3 minus as long as N3 minus is much much more than CH3I. बहुत सारे बच्चे इसको इस स्टेटमेंट को करेक्ट कर देते हैं, ठीक है. अब बात को समझो ध्यान से. अब फॉर ऑप्शन नंबर ए, दिस ये ऑप्शन ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, बाकी इजी है. देखो ऑप्शन नंबर ए में बात आपको ये समझनी है कि जब रेट को बोलता है, लिख दिया है ऊपर रेट CH3I इनटू N3 माइनस, ऐसा करके लिख दिया है वो, ठीक है ना. अब देखना क्या है बात, कह दिया आपसे कि देखो N3 माइनस की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत हाई है, बहुत हाई. और आप जानते हो अगर ए की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है तो लगभग लगभग वो कॉन्स्टेंट रहता है थ्रू आउट रिएक्शन, ठीक है. अब क्या बात है कि इसको तो ठीक है, आप ये बहुत हाई था ना तो आपने इसे कांस्टेंट मान लिया, सही बात है. फिर आप क्या बोले कि देखो मैम रेट जो है वो रेट क्या हो जाएगा, ये के तो पहले से कांस्टेंट था और N3 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है क्योंकि बहुत ज्यादा है तो चेंज हमें फील नहीं हो रहा, इट्स लगभग कॉन्स्टेंट. तो इन दोनों कॉन्स्टेंट को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा एक नया कॉन्स्टेंट, एंड देन CH3I को की कॉन्सेंट्रेशन को मल्टीप्लाई कर दिया. बिल्कुल सही किया है यहाँ तक. इसका मतलब है कि अगर कॉन्सेंट्रेशन N3 माइनस की बहुत ज्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन वोंट डिपेंड ऑन N3 माइनस, राइट. इट्स करेक्ट, फाइन. फिर वो सिर्फ मिथाइल आयोडाइड पे डिपेंड करेगा. लेकिन क्वेश्चन यहाँ आपसे रेट नहीं पूछ रहा था, क्वेश्चन यहाँ आपसे टी हाफ पूछ रहा था, ठीक है. और टी हाफ बताओ, इस रिएक्शन का टी हाफ बताने जा रहे हो, इस रिएक्शन का टी हाफ बताने जा रहे हो. आप जानते हो टी हाफ डिपेंड करता है रेट कांस्टेंट पे, है ना. फर्स्ट ऑर्डर के लिए 0.693 अपॉन के, टी हाफ डिपेंड्स ऑन रेट कांस्टेंट. और रेट कांस्टेंट को हम पहले के रखे थे, अब उसको हम एक कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करके अभी भी कांस्टेंट रखे हैं, लेकिन वो नया कांस्टेंट बन गया है तो टी हाफ तो बदल जाएगा ना, क्योंकि टी हाफ तो के पे डिपेंड करता है. के पहले एक कांस्टेंट था, अब के एक नया कांस्टेंट हो गया, राइट. अब जो के डैश है वो एक नया कांस्टेंट है, तो टी हाफ की जो वैल्यू है वो तो बदल गई. आप समझ रहे हो बात को, टी हाफ एक कांस्टेंट पे ही डिपेंड करता है, तो कांस्टेंट की एग्जैक्टली क्या वैल्यू है उस पे टी हाफ डिपेंड करेगा. ओके फाइन. तो इसका मतलब है कि ये ऑप्शन गलत है क्योंकि आप के की वैल्यू को चेंज कर रहे हो. रेट कांस्टेंट पहले भी कांस्टेंट था, अब भी कांस्टेंट है, लेकिन उसकी वैल्यू बदल गई है, ठीक है ना. ओके अब आते हैं ऑप्शन नंबर बी में. अब सारा ऑप्शन आसान है. इफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अजाइड एंड CH3I आर इक्वल, देन इफ इट टेक्स हाफ एज लॉन्ग फॉर CH3I टू डिक्रीज टू 0.0, CH3I पहले कितना था, 0.01 था. कहता है क्वेश्चन में कि देखो 0.01 से वो कितना हो गया है, 0.005, मतलब आधा हो गया है. इसमें जो टाइम लग रहा है इसकी बात कर रहा है. एज इट डज फॉर इट टू डिक्रीज फ्रॉम 0.005 टू अगेन आधा, मतलब वो दो बार आधा हो रहा है, ठीक है ना. एक बार वो आधा हो रहा है एक कॉन्सेंट्रेशन से 0.01 से, और एक बार वो आधा हो रहा है 0.005 से. तो जहां से वो हाफ हो रहा है ना, वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दोनों के केस में अलग अलग है, ठीक है. फर्स्ट केस में वो 0.01 से हाफ हो रहा है, यहां से हाफ हो रहा है, और सेकेंड केस में वो 0.005 से हाफ हो रहा है. ओके फाइन. अब कहता है कि बताओ जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है इन दोनों की बराबर है, इक्वल लिए हैं दोनों की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को, फाइन, ठीक है, मतलब फाइनाइट लिए हैं और दोनों की कॉन्सेंट्रेशन आपस में इक्वल ली गई है. देन इट टेक्स हाफ एज लॉन्ग, मतलब ये वाला काम होने में, इस वाले को काम होने में अगर टी टाइम लगता है तो ये वाला काम होने में T/2 टाइम लगता है, ऐसा है क्या, ये पूछ रहा है आपसे. तो हम एक रिलेशन जानते हैं
टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी नॉट टू द पावर एन माइनस वन, ये याद है क्या? टी हाफ सी नॉट टू द पावर एन माइनस वन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, अभी आपका एन की वैल्यू कितना है जानते हो? क्वेश्चन में कितना एन दिया हुआ है देखो, जब रेट बोल दिया टू द पावर वन, टू द पावर वन मतलब एन की वैल्यू टू है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज टू। तो जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन टू है तो उस केस में क्या होता है? टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है सी नॉट के, सी नॉट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है टी हाफ। मतलब अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डबल है तो इसका जो टी हाफ आएगा वो आधा आएगा, समझ रहे हो ना? अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कम है तो उसका टी हाफ ज्यादा आएगा, ठीक है? तो ये रिलेशन है इन दोनों के बीच में। तो अगर आप, इट मींस टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी नॉट इन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो अगर हम सी नॉट डबल ले रहे हैं तो इसका मतलब है टी हाफ आधी हो जाएगी। सी नॉट अगर हम फोर टाइम्स लेते तो टी हाफ वन अपॉन फोर हो जाती, ठीक है? ओके, नाउ कमिंग टू ऑप्शन नंबर सी, द रिएक्शन रेट इज सिग्निफिकेंटली स्मॉलर इफ एक्सेस आई माइनस इज एडेड टू सोल्यूशन। एक्सेस आई माइनस एड होने से, ये प्रोडक्ट साइड है ना, अगर आप खूब सारा आई माइनस एड करोगे तो रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगी। लेकिन कौन सी रिएक्शन? रिवर्सिबल रिएक्शन। यहाँ तो शुरू में ही दे दिया ये रिएक्शन इररिवर्सिबल है, तो यहाँ तो ये नहीं होगा ना। नाउ द रिएक्शन कैन नॉट टेक प्लेस इन सिंगल एलिमेंट्री स्टेप। नहीं नहीं, ये जो रिएक्शन है आपसे पूछ रहा है कि ये एलिमेंट्री स्टेप सिंगल स्टेप में हो सकता है या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि ये रिएक्शन आप ऑर्गेनिक में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। एक रिएक्शन होती है ऑर्गेनिक में, हम पढ़ते हैं SN2 रिएक्शन, जो आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है? दिस इज SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन का मतलब क्या होता है? ये SN2 रिएक्शन में, SN2 रिएक्शन हमेशा एक स्टेप में खत्म हो जाती है, उसमें केवल एक स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, रिएक्शन का सिर्फ एक स्टेप, और उस एक स्टेप में दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा होता है। दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करके एक ट्रांजिशन बनाता है और उसके बाद प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है? तो SN2 रिएक्शंस आर सिंगल स्टेप रिएक्शन। क्या होता है इसमें? ये होती है सिंगल स्टेप रिएक्शन, और इनकी ऑर्डर क्या होती है? टू। फुल फॉर्म इसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसमें बेसिकली होता क्या है, ये CH3I है, आप जानते हो CH3I में I के पास डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है, कार्बन के पास डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है। N3 माइनस आएगा और N3 माइनस आकर यहाँ पर अटैक करेगा डेल्टा पॉजिटिव को देख के। लेकिन यहाँ पर बस इतनी बात है कि जैसे ही N3 माइनस डेल्टा पॉजिटिव को देखकर उससे अट्रैक्टेड होगा, N3 माइनस यहाँ पर आ रहा है उसी मोमेंट I माइनस इस स्पीसीज को छोड़कर बाहर निकल जाएगा, समझ रहे हो बात को? और फिर प्रोडक्ट फाइनली आपका बन गया CH3N3 प्लस I माइनस। तो जिस मोमेंट N3 माइनस जाकर अटैक किया, उसी मोमेंट अटैक होते ही, जिस मोमेंट अटैक हो रहा है N3 माइनस का कार्बन के ऊपर, उसी मोमेंट I माइनस बाहर निकल रहा है, ठीक है? बॉन्ड को तोड़कर सेपरेट हो रहा है। तो बेसिकली ये जो रिएक्शन है ये एक सिंगल स्टेप में ही खत्म हो जाती है, अलग अलग नहीं होता ये सब कुछ, फाइन? तो हमारा जो लास्ट स्टेटमेंट है, दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, दिस रिएक्शन डज टेक प्लेस इन अ सिंगल स्टेप। तो फिर हमारा कौन सा आंसर सही हो गया, करेक्ट कौन सा हो गया? फिर बी, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10, कैल्शियम है 41 अंडरगोस रेडियो एक्टिव डीके, इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर। इलेक्ट्रॉन कैप्चर में क्या होता है? अगर मान लो एक न्यूक्लियस बहुत ज्यादा रिच है प्रोटॉन में, ठीक है, तो वो न्यूक्लियस क्या करता है, प्रोटॉन, वो उस न्यूक्लियस का प्रोटॉन एक इनर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, ठीक है ना? तो अगर न्यूक्लियस बहुत ज्यादा रिच है प्रोटॉन में, इफ न्यूक्लियस इज बहुत ज्यादा रिच इन प्रोटॉन, तो ये प्रोटॉन, एक प्रोटॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, और गेन करके क्या बनाएगा? अगर प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया तो न्यूट्रॉन बन गया, है ना? न्यूट्रॉन बनेगा और साथ में एनर्जी रिलीज होती है इन फॉर्म ऑफ न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो बन जाता है, न्यूट्रिनो रिलीज होता है।
न्यूट्रिनो, ये जो मास डिफेक्ट आया है अल्टीमेटली वो किस एनर्जी के फॉर्म में निकलता है, न्यूट्रिनो के फॉर्म में. ओके, तो अब क्या है कि देखते हैं क्या क्या सही है क्या गलत है. यहाँ पर कैल्शियम के बारे में बोल रहे हैं 41. आप जानते हो अगर कभी भी कोई एक प्रोटॉन अगर न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब है कैल्शियम का पहले तो नंबर होता है 20, राइट. अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक K कैप्चर हो रहा है, मतलब इसका एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया. इट मींस इसका जो नंबर है, एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, वो तो 1 से डिक्रीज हो गया ना, क्योंकि एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चला गया है कन्वर्ट होने के लिए. तो ये अब कितना बन गया, 19 बन गया, राइट. ओके, नाउ 41 तो ये एक प्रोटॉन, ये आपका जो 41 ऊपर वाला नंबर होता है मास नंबर, वो होता क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का नंबर. तो एक प्रोटॉन कम हुआ है, एक प्रोटॉन घटा है और एक न्यूट्रॉन बढ़ गया है, तो मास नंबर पे तो कोई फर्क नहीं आया, मास नंबर पे तो कोई फर्क नहीं आया. तो बेसिकली फर्क किसमें आ गया, डिफरेंस किसमें आ गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में. और आप जानते हो गे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में फर्क आते ही एलिमेंट बदल जाता है ना. एक एलिमेंट के पास एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ प्रोटॉन ही रहते हैं. फाइन, तो ये एलिमेंट कौन सा हो गया, पोटेशियम. इट मींस ये ऑप्शन तो गलत हो गया ना. अब क्या दिया हुआ है, द डीके प्रोडक्ट हैज अ डीके प्रोडक्ट, मतलब डीके प्रोडक्ट जो बन रहा है उसकी बड़ी मास, उसकी लार्ज मास होगी. ऐसा होता है क्या, प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, फिर न्यूट्रॉन आ रहा है और एनर्जी रिलीज हो रही है. अब जानते हो ये एनर्जी कहाँ से रिलीज होती है, मास डिफेक्ट से. मतलब जो हमारा रिएक्टेंट होता है, हमारे जो रेडियो एक्टिव रिएक्शन होते हैं उनमें जो रिएक्टेंट है वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट फॉर्म करता है. लेकिन रिएक्टेंट का मास एंड प्रोडक्ट का मास हमेशा कॉन्स्टेंट नहीं होते, क्योंकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट फॉर्म करेगा और साथ में थोड़ी एनर्जी भी रिलीज करेगा. वो एनर्जी आती कहाँ से है, मास डिफेक्ट से. ये जो डिफरेंस है ना दोनों के मास का, वो ही कन्वर्ट हो जाती है एनर्जी में, ठीक है. तो जब के कैप्चर में न्यूट्रिनो रिलीज होता है, जब न्यूट्रिनो है अल्टीमेटली क्या, वो एक एनर्जी है जो क्रिएटेड है आउट ऑफ मास डिफेक्ट, ठीक है. तो इसका मतलब है ये वाली बात तो बिल्कुल गलत हो गई ना, द डीके प्रोडक्ट हैज लार्जर मास. नो, जो रिएक्टेंट साइड में है, जो पेरेंट साइड में है, उसकी ज्यादा मास होती है, डॉटर के साइड की ज्यादा मास नहीं है, ठीक है. फाइन, तो हमारा फिर आंसर नहीं, दोनों में से कोई भी सही नहीं है, नेदर ए नॉर सेकेंड. ओके, तो फिर 10th का ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रिक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग रिएक्शन. अ पॉसिबल मैकेनिज्म दिया हुआ है, अब आपको रेट बताना है. मैंने आपसे यही कहा था कि कभी कभी ऐसा होगा कि मैकेनिज्म देकर रेट पूछेगा, कभी रेट देकर मैकेनिज्म पूछेगा, उल्टा कर दिया ना क्वेश्चन को. अब देखो यहाँ पर ये स्लो स्टेप है, ठीक है, स्लो स्टेप है, तो हम स्लो स्टेप के पास जाएंगे, वहां जाकर हम रेट डिफाइन करेंगे. हमेशा रेट इज इक्वल टू के इंटू एन टू ओ टू इंटू एच टू, या वन दिया हुआ है, वन तो वन वन. ओके, नाउ अब क्या है, हमारे सारे ऑप्शन में एच टू और एनओ नजर आ रहा है, कहीं पर भी एन टू ओ टू हमें नहीं दिख रहा है, ठीक है. तो हमें एन टू ओ टू को हटाना पड़ेगा. N2O2 को कहां से हटाएं, फर्स्ट रिएक्शन से हटा सकते हैं, थर्ड रिएक्शन में तो N2O2 है ही नहीं, तो फर्स्ट से हटाते हैं. चलिए लिखेंगे हम KEQ is equal to N2O2 की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन NO की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर. अब ये क्या बन गया, N2O2 is equal to KEQ into NO की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर. फाइन, तो यहां इसके बाद हम ये ड्रॉ कर लिए. अब जब हमें N2O2 का मतलब पता चल चुका है, N2O2 है क्या, N2O2 ये वाली वैल्यू है, KEQ into NO का स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली उसको यहाँ पर पुट कर देंगे. ओके, अब हम रेट निकाल सकते हैं पुट करने के बाद, KEQ NO का स्क्वायर into H2 to the power 1, ठीक है. और ये दोनों मिलकर एक नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बना, एक नया रेट कांस्टेंट बना लेते हैं, के डैश. वैल्यू के अलग, के ई क्यू अलग, और के डैश की वैल्यू के इंटू के ई क्यू है. फाइन, तो अब हमारा आंसर क्या बन गया, फिर 11th का ऑप्शन नंबर चेक कर लेते हैं जल्दी से, बी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 12, द रेट कॉन्स्टेंट के फॉर द रिएक्शन शोन दिया हुआ है.
व्हाट इज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. तो बच्चों एक बात है कि आप हमेशा ऐसे ऑर्डर आपको बताना हो ना, तो ऑलवेज टेक हेल्प ऑफ के. के की क्या यूनिट है वो आपको ऑर्डर बता देती है. ठीक है, तो ऑर्डर बताने के लिए के की यूनिट का हेल्प लेना. और के की यूनिट होती क्या है, के की यूनिट जो है वो होती है मोलारिटी. देखो पढ़ा होगा आपने इस तरह से करके, जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक रेट इक्वेशन दिया हुआ है. ठीक है, रेट हमेशा क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, अपॉन टाइम, ये होता है रेट हमेशा ही, ये तो है. ओके, नाउ इज इक्वल टू के इनटू ऑर्डर ऑफ, फिर आप क्या लिखते हो, कॉन्सेंट्रेशन लिखते हो एम, और ऊपर में क्या लिखते हैं, ऑर्डर लिखते हैं, राइट. अब आप देखो के की यूनिट यहाँ से क्या बन रही है, के की यूनिट यहाँ से बन गई के इज इक्वल टू, लिख सकते हैं ना, ऊपर एम लिखा है, नीचे एम टू दी पावर एन लिखा है, और यहाँ टाइम लिखा है. तो ये क्या बन रहा है, एम वन माइनस एन इन टू टाइम इन, ये टाइम इनवर्स, फाइन. तो इट मीन्स के की जो यूनिट होती है उसमें मोलैरिटी के ऊपर वन माइनस एन होता है, वन माइनस एन. तो हम समझ गए, यहाँ पर देखते हैं आप, वन माइनस एन इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, माइनस वन दिया हुआ है, माइनस वन, एन को उधर भेजो, माइनस वन इधर आ गया, एन इज इक्वल टू टू बन गया. तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 13. पोलोनियम 210 अंडरगोज अल्फा डीके विद अ हाफ लाइफ ऑफ 138 डेज फॉर्मिंग द स्टेबल आइसोटोप. हाँ, टी हाफ दिया हुआ है उसका, टी हाफ गिवन है. हाउ मच टाइम वुड इट टेक फॉर एक्टिविटी ऑफ टू डिक्रीज टू 15% ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू. ठीक है, तो हम फर्स्ट, जब जितने भी रेडियो एक्टिव रिएक्शन होती है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है, ये आप जानते हैं. तो बस हमें टाइम निकालना है कितनी देर में वो 50% बचा हुआ रह जाएगा. KT is equal to 2.303 log 100 upon बचा हुआ 15% decrease to 15% कह रहा है. ठीक है, ओके, अब सॉल्व करते हैं. तो इसकी वैल्यू, K की वैल्यू आप रख सकते हो 0.693 upon T half, that is 138 days into T is equal to 2.303 log, फिर 100, 15 को सॉल्व करना जानते हैं ना, इसको आप लिख लेना 10 स्क्वायर, ये तो 2 बन जाएगा बाहर निकलकर, 2 log 10, और 15 को क्या लिखोगे, 3 into 5 लिख लेंगे. log 3 की वैल्यू जानते हैं 0.4771, log 5 की वैल्यू जानते हैं, तो वहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं t की वैल्यू. तो t कैलकुलेट करने पे हमारा आ जाएगा 377 डेज, ये डेज में दिया था ना, 138 डेज में दिया था, सो इट इज 377 डेज. तो हमारा फिर ऑप्शन करेक्ट हो गया 13th का, ऑप्शन नंबर डी. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 14. इरिवर्सिबल रिएक्शन एक दिया हुआ है. अगेन क्वेश्चन नंबर 14, एक क्वेश्चन नंबर 9th था जिसमें मैंने बहुत अलर्ट होने को कहा था, जो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड नहीं था, और एक ये क्वेश्चन नंबर 14 है, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन. एक एन इरिवर्सिबल रिएक्शन ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट इज स्टडीड अंडर कंडीशंस वेयर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी आर इक्वल. ठीक है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और बी इक्वल दे रखा है. नाउ अंडर दीज सर्कमस्टांसेस अ ग्राफ ऑफ ln ए एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज लीनियर. व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ए. इस क्वेश्चन में मैक्सिमम बच्चे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को टिक करते हैं. क्या बात है, देखो अगर कभी इस तरह सिर्फ इतना दिया रहे ना कि एक रिएक्शन है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन, क्वेश्चन को समझना, तीन क्वेश्चन बनाते हैं इसमें से. अगर ऐसा क्वेश्चन दिया रहे दैट ए गिव्स बी, एक हो रहा है ए गिव्स प्रोडक्ट, ए गिव्स प्रोडक्ट कर देती हूँ कंफ्यूजन, नाउ ए गिव्स प्रोडक्ट है. ओके, कभी क्वेश्चन अगर कर देता है ए गिव्स प्रोडक्ट है और फिर ये स्टेटमेंट दे देता है ln a वर्सेस टाइम इज लीनियर, तो ln a वर्सेस टाइम इज लीनियर बहुत बढ़िया, हम जानते हैं ये कब होता है, ये होता है फर्स्ट ऑर्डर में, फर्स्ट ऑर्डर में. तो अगर क्वेश्चन कभी ये बना दे तो हम इसका आंसर क्या बताएंगे, फर्स्ट ऑर्डर, राइट. ए ए की जो है कॉन्सेंट्रेशन, उसका एलएन लेने पे वो वर्सेस टाइम, एलएन वर्सेस टाइम जो रिलेशन आ रहा है वो लीनियर आ रहा है, सिंपल बात है, फर्स्ट ऑर्डर है, करेक्ट. सेकंड बात, अगर कभी ए और बी दोनों दिया है और प्रोडक्ट बनाया, फाइन, और क्या किया, बी को एक्सेस में रखा,
बी को एक्सेस में रखने का मतलब क्या, बी एक्सेस में है, बी के कॉन्सेंट्रेशन से ए को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बी एक्सेस में है, बी की कॉन्सेंट्रेशन चेंज ही नहीं हो रही है, दैट इज इंपॉर्टेंट. बी अगर एक्सेस में है, क्वेश्चन अगर ये बनाता है, ओके इसमें भी अगर क्वेश्चन बना देता है कि देखो बी को हम एक्सेस में रखे और क्या हुआ, हम जब प्लॉट किए एल एन ए वर्सेस टाइम ग्राफ तो वो स्ट्रेट लाइन आ गई, स्ट्रेट लाइन लाइक ऑलवेज ये स्ट्रेट लाइन आ गया. हम यहां पर भी आंसर देंगे कि हमारा रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि बी को जब हम एक्सेस में कर दिए मतलब हम बी को कॉन्स्टेंट कर दिए, सारे कंडीशन को कॉन्स्टेंट बनाकर हम ए के रेस्पेक्ट में क्या ऑर्डर है वो निकाल सकते हैं. लेकिन थर्ड जो हमारा रियल क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन में ए और बी को शुरू में इक्वल रखा गया है, मतलब बी को कांस्टेंट नहीं किया, बी को ए के जितना ही रखा है, ठीक है. ए एंड बी इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन आर इक्वल, इन दोनों में से कोई भी एक कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब है ए बी पे डिपेंड कर रहा है, बी की कॉन्सेंट्रेशन ए पे डिपेंड कर रही है. तो ए एंड बी इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन, दोनों में से किसी भी की भी कॉन्सेंट्रेशन इन्फिनिट नहीं है, कॉन्स्टेंट नहीं है, जैसे अभी क्वेश्चन में दिया हुआ है. तो क्वेश्चन में कहता है कि ए एंड बी मिलकर प्रोडक्ट बना रहे हैं, ओके और साथ में एक बी एक्सेस वाला हिंट नहीं दे करके क्वेश्चन हिंट दे रहा है बोथ ए एंड बी आर इक्वल, या फिर ए और बी की कोई और भी कॉन्सेंट्रेशन हो सकती थी, कोई स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन, फाइन, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन स्पेसिफाइड है, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन स्पेसिफाइड है, कुछ कुछ है दोनों की कॉन्सेंट्रेशन. अब इस केस में ए की कॉन्सेंट्रेशन सबसे इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है. अब ए अकेला डिटरमिन नहीं करेगा कि ग्राफ कैसा बनना चाहिए और किस तरह से एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स आना चाहिए, अब बी भी है साइड बाय साइड. तो अब अगर ए के रेस्पेक्ट में कोई ग्राफ आ रहा है तो आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि इस पर्टिकुलर केस में जो ग्राफ आ रहा है वो पूरा का पूरा ग्राफ बिकॉज ऑफ ए ही आया, ठीक है. अभी बी का भी रोल है, बी भी कॉन्स्टेंट नहीं है, ए का जो ये ग्राफ आ रहा है वो हो सकता है ए के कॉन्सेंट्रेशन, उसमें सिर्फ ए के कॉन्सेंट्रेशन का रोल ना हो, उसमें बी का भी कुछ रोल हो और उन दोनों का मिला जुला कर ये ग्राफ दिख रहा है, समझ रहे हो. तो कभी भी किसी भी एक पैरामीटर की स्टडी करनी होती है तो बाकी सारे पैरामीटर को कांस्टेंट बनाना होता है, बहुत पहले हम सीखे हैं स्टेट्स ऑफ मैटर से सीखे हैं. तो यहाँ पर भी आप अगर ए की कॉन्सेंट्रेशन के रेस्पेक्ट में स्टडी करना चाहते हो, ऑर्डर ऑफ ए पढ़ना चाहते हो कि ए को अगर चेंज करेंगे टाइम के साथ साथ तो क्या होगा, रेट कैसे बदलेगा, तो आप बाकी सारे पैरामीटर्स को कॉन्स्टेंट करो तभी स्टडी कर पाओगे, ठीक है. इसका मतलब है कि यहाँ पर अगर हमें दोनों की कॉन्सेंट्रेशन अगर फाइनिट है, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन अगर कुछ गिवन है, वन मोलर टू मोलर इक्वल, दोनों में से कोई भी कांस्टेंट नहीं है, कोई भी इन्फिनिट नहीं है, बहुत नहीं है, तो इसका मतलब है कि फिर ये इस पे डिपेंडेंट है और ये इस पे डिपेंडेंट है, ठीक है. फिर अकेला ए को ए का ग्राफ बनाकर आप ऑर्डर ए का नहीं बता पाओगे, उसमें बी का भी इन्फ्लुएंस है, ठीक है. दैट्स वाई फाइनली द ऑर्डर इन ए एंड बी कैन नॉट बी डिटरमिंड on the basis of given information. Next question, question number 15. The initial rate of reaction A plus B gives products varies with initial concentration of A and B. फिर से ये simple सा question, question number 1 भी बिल्कुल ऐसा ही था, right? तो इसमें आपको बताना है क्या है order of reaction. तो हम क्या करेंगे, फिर से हम इन दोनों में A की concentration same है ना, जब हमें कोई clue नहीं रहता, मैंने अभी पुराने वाले question में भी आपसे यही कहा कि जब आपके पास कोई भी clue नहीं है ना, तो फिर आपको किसी एक के कॉन्सेंट्रेशन को कॉन्स्टेंट बनाकर ही आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हो, अगर आप क्ल्यूलेस हो तो. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको मैं बताऊं, अगर आपको सिर्फ ये दो क्वेश्चन दे रखा होगा, ये दो इक्वेशन, जस्ट ये दो इक्वेशन, इन इक्वेशन से आप कंपैरेटिवली ज्यादा कंफर्टेबल हो सेलेक्ट करना कौन से इक्वेशन को सॉल्व करना है, किससे हम अप्रोच करें इक्वेशन को, कहां से आसानी पड़ेगी. तो ये दो क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों इक्वेशन को यूज करो, ये दोनों पॉइंट टू वैल्यू सेम सेम है, कट जाएंगे, ज्यादा आसान पड़ेगा सॉल्व करना, ए इज कांस्टेंट. तो अब हम स्टार्ट करते हैं फिर. सो वी आर सेलेक्टिंग, कौन से इक्वेशन को सिलेक्ट कर लेते हैं हम, थ्री और वन को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है. तो थ्री अपॉन वन करते हैं,
कितना बन रहा है देखिए, ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर को आप ए मान लो और बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर को बी मान लो, ठीक है। अब 3/1 कर देना रिएक्शन, तो क्या क्या बन रहा है, 0.2 के तो है ही, बिल्कुल के तो है ही, 0.2 ए इंटू बी के रेस्पेक्ट में लिखे तो 0.9 इज इक्वल टू 0.9 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 2.1 × 10⁻⁴ बन गया, ठीक है। सॉल्व कीजिए, 3⁻ ये दोनों तो कट गए ना, आसान हो गया, 3⁻ इसको सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा लगभग आपका, इसमें इसको सॉल्व करने पे आपका आंसर आएगा 9 के इक्वल। b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, भी 2 बन गया ना, 3² ओके। नाउ अब हम आगे b सॉल्व करना चाहते हैं, a सॉल्व करना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू b, तो मिल गया। a सॉल्व करने के लिए हम हेल्प ले लेते हैं 2 और 1 का, रिएक्शन देखते हैं 2 और 1 की रिएक्शन क्या है। 2/1 कर दीजिए आप, k इंटू 0.4⁻ k इंटू 0.2⁻ ओके। फिर सेकेंड रिएक्शन में और कौन है, 0.3⁻ 0.3⁻ यहाँ तो क्वेश्चन एग्जामिनर बड़ा अच्छा था, दोनों जगह पे आपको एक कैंसिल करने वाले टर्म्स देकर रखा है, ठीक है, हमेशा इतना आसान नहीं होता है। तो हियर इज 4.2 × 10⁻⁴ / 2.1 × 10⁻⁴ और ये सॉल्व, इसको काट दिया, 2⁻ इज इक्वल टू 2 आ गया है और a की वैल्यू आ गई है 1, ओके। तो a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 2, तो आंसर ठीक है, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, ऑप्शन नंबर d, 15 का हमारा d बन गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच न्यूक्लियाइड अंडरगोज बीटा डिके। अब बीटा डिके किसमें होता है, बीटा डिके उन न्यूक्लियस में होता है जिसमें न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन एक्सेस में होते हैं, ठीक है। न्यूट्रॉन की वैल्यू जब ज्यादा होती है ना, जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो ज्यादा होता है, जब न्यूट्रॉन एक्सेस में होता है, तो फिर होता है बीटा डिके, बीटा डिके। और बीटा डिके में होता क्या है, एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो एमिट करता है। एक न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में स्प्लिट हो जाएगा और साथ ही वो एंटी न्यूट्रिनो एमिट करेगा। एंटी न्यूट्रिनो कौन है, कहाँ से आया, ये अगेन वापस से एनर्जी इक्विवेलेंट है मास डिफेक्ट का, जो मास है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की वो न्यूट्रॉन के बराबर नहीं है, न्यूट्रॉन का मास ज्यादा है व्हेन कंपेयर टू प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का सम टोटल ऑफ मास, तो जो रिमेनिंग एनर्जी है वो एंटी न्यूट्रिनो के फॉर्म में इमर्ज हो रही है, ठीक है। तो अभी हमारा क्वेश्चन पूछता है कि बताओ बीटा डीके कहाँ होगा, तो सिंपल सा हम आंसर बता देंगे, बीटा डीके कहाँ पर होगा, जहाँ न्यूट्रॉन एक्सेस में है। अब देख लीजिए आप न्यूट्रॉन कहाँ पर एक्सेस में है, तो फर्स्ट केस है कार्बन 11 एंड इसका नंबर, प्रोटॉन का नंबर तो हमेशा 6 होगा ना, इसका मतलब न्यूट्रॉन का नंबर यहाँ पर कितना है, न्यूट्रॉन इज 5, ये इसमें तो न्यूट्रॉन कम आ गया। नाउ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 7, 13, तो न्यूट्रॉन का नंबर कितना हो गया, 13 - 7, 6, यहाँ ऑक्सीजन के पास आ जाओ, ऑक्सीजन कैसा है, ऑक्सीजन 8 है और 19 है, यहाँ न्यूट्रॉन का नंबर बहुत हाई 11, और लास्ट केस सोडियम, सोडियम इज 11 and 22, यहाँ न्यूट्रॉन का नंबर 11 है। तो यहाँ न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन रेशियो, हर केस में आप देखना न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन रेशियो कितनी है, n/p यहाँ पर 5/6 आ रहा है, यहाँ पर n/p 6/7 आ रहा है, यहाँ पे n/p हाईएस्ट है और यहाँ पर n/p 1 है, राइट। तो जहां पर n/p मैक्सिमम है वहां पर होगा बीटा माइनस डीके, इलेक्ट्रॉन वहां पर एमिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कार्बन टेट्राक्लोराइड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मिथाइल क्लोराइड, क्वेश्चन रिएक्शन गिवन है, इफ द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CCl4 इज मेजर्ड, व्हाट इज द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ Cl2, ठीक है। तो CCl4 और Cl2 के रिस्पेक्ट में बताना है हम लोगों को, इजी क्वेश्चन, -1/3 dCl2/dt इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CCl4/dt। अब ये तो दे रखा है ना क्वेश्चन में, कितना दिया है रेट ऑफ फॉर्मेशन 0.063, तो बस फिर ये आ गया आपका, तो यहीं पे dCl2/dt कितना हो जाएगा, 3 × 0.063, तो 3 × 0.063 करेंगे तो हमारा बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 17 का ऑप्शन नंबर डी।
Now coming to question number 18. In comparing two reactions, the reaction with greater activation energy, जिसकी activation energy ज़्यादा होती है, उसके साथ क्या होता है? तो आप पढ़े हो ना, log K2 upon K1 is equal to EA upon 2.303 R into 1 upon T1 minus 1 upon T2. ठीक है? तो जिसकी activation energy ज़्यादा होती है, जिन reaction की, उनमें दो रिएक्शन है आपके पास, ठीक है, दोनों में आप टेम्परेचर चेंज सेम कर रहे हो, मतलब ये वाला पार्ट आपने सेम बना दिया, लेकिन अगर किसी की ई ए ज्यादा है, एक्टिवेशन एनर्जी अगर ज्यादा है, तो उस केस में लॉग के टू अपॉन के वन की वैल्यू अधिक आएगी, है ना। इसका मतलब है के वन और के टू के बीच में जो चेंज हुआ, जो रेट ऑफ रिएक्शन में चेंज आया है, वो ज्यादा आ रहा है अगर ई ए की वैल्यू अधिक है तो। सही बात है ना। तो फिर हमारा ऑप्शन हो जाएगा, greater activation energy always has rate that increases, that varies more with temperature. This rate varies more with temperature. अगर मान लो ई ए की वैल्यू कम होती ना और हम सेम टेम्परेचर को राइज किए होते, तो हमारा जो log K2 upon K1 है वो कम आया होता, ठीक है, ये वाली वैल्यू कम आती, और इस वैल्यू के कम आने का मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन कम बढ़ा है। फाइन, ओके, so 18th का D. Then next question is the rate of reaction at 100 degree Celsius is 4 times the rate at 50 degree Celsius activation energy. Same उसी equation पे based है ये question भी. तो log K2 upon K1 is equal to log K2 upon K1 is equal to EA upon 2.303 R into 1 upon T1 minus 1 upon T2, right? चलिए सॉल्व कर लेते हैं, क्या कह रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स हो गई ना, तो ये कितना बन गया, लॉग 4 बन गया, और फिर ई ए बताना है 2.303 किलो जूल में दिया हुआ है, तो आर किस में पुट करोगे, 8.314 अपॉन 1000 करेंगे, और इधर कितना रखा हुआ है टेम्परेचर को, 50 डिग्री सेल्सियस है एक और एक 100 डिग्री सेल्सियस है ना, तो 373 और 323, तो 373 इंटू 323 और इधर हमारा हो गया 50, राइट। तो फिर आप ये तो जानते हो लॉग 4 की वैल्यू आपको पता है, दिस इज 2 लॉग 2 एंड इट इज 0.3010 इंटू 2, दैट इज 0.6। तो सॉल्व करने पे आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 में, यू विल गेट 27.8 किलो जूल पर मोल, किलो जूल आएगा क्योंकि हमने चेंज कर दिया ना, 8.314 अपॉन 1000 कर दिया आर को किलो जूल में चेंज करने के लिए। फाइन, तो हमारा आंसर हो गया 19th का डी ऑप्शन। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 20 भी समझना, 20 भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बस थोड़ा सा ध्यान रखना, जनरली जो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं ना टेबुलर फॉर्म वाले, उसमें यहाँ पर टाइम नहीं देकर रेट दिया होता है, यहाँ पे टाइम दे दिया है। अब देखो इनिशियल, बाकी सारी बातें सेम है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपको दे रखा है, दोनों रिएक्टेंट का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है, ओके, लेकिन साथ में रिएक्शन टाइम दिया हुआ है, रिएक्शन रेट नहीं दी हुई है। तो आप जानते हो रिएक्शन टाइम और रेट किस तरह से वैरी करता है, जितना ज्यादा टाइम ले रहा है उतना कम रेट है, उतना स्लो है रिएक्शन, और जितना कम टाइम ले रहा है उतना ज्यादा रेट है, उतना फास्ट रिएक्शन है, ओके। तो अगर एक रिएक्शन 156 टाइम ले रहा है और एक 78 ले रहा है, मतलब उसका आधा, और ये उसका भी आधा टाइम ले रहा है, तो इसका मतलब है कि अगर इस थर्ड वाले रिएक्शन की रेट x है, तो उसके पहले वाले रिएक्शन की रेट इज 2x, वो ज्यादा फास्ट है इसलिए वो आधा टाइम लिया है, और 39 वाला उससे भी फास्ट है, वो हाफ टाइम, 78 से भी हाफ टाइम लिया, ओके, 4x रेट। नाउ बताना है क्या होगा एक्सपेक्टेड टाइम फॉर एक्सपेरिमेंट। तो टाइम कैसे बताएं, पहले हम क्या करते हैं, पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं ऑर्डर, इन सब के रेस्पेक्ट में क्या ऑर्डर आ रही है। ऑर्डर निकालने के लिए हमेशा पहले कांस्टेंट वाले को देखना, इन दोनों को देखो, इन दोनों को वापस ये अज्यूम कर लेते हैं, इसके रेस्पेक्ट में स्मॉल ऑर्डर है और इसके रेस्पेक्ट में स्मॉल भी ऑर्डर है, ठीक है। चलिए हम डिवाइड करते हैं रिएक्शन को, तो सबसे पहले हमने कर दिया 1/2, फर्स्ट रिएक्शन अपॉन सेकेंड रिएक्शन, ये तो कैंसिल हो गया है, एक पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा 0.04 वाला, बट स्टिल लिख लेते हैं इसको, K into 0.04 A, K into 0.04 ऊपर नीचे A,
इधर क्या बन रहा है वन अपॉन टू करने पे 0.08 टू द पावर बी, इधर 0.04 टू द पावर बी, राइट. दिस इज इक्वल टू आपने किया है टू अप वन अपॉन टू, वन अपॉन टू किया है 4x/2x, है ना. तो हमने अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने पे कितना आ रहा है 2 to the power b इज इक्वल टू 2, इसका मतलब b की वैल्यू कितनी आ गई 1. तो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू b कितना बन रहा है 1, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू b इज 1. नाउ ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a निकाल लेते हैं, विद रिस्पेक्ट टू a निकालते हैं S2O8-. तो इन रिएक्शंस को आप पढ़ोगे, इडियोमेट्री करके टॉपिक आएगा वहां पे आप पढ़ोगे इन रिएक्शंस को. तो चलिए देखते हैं फिलहाल नेक्स्ट रिएक्शन कौन सा हमें हेल्प करेगा. 3 और 1, थर्ड एंड फर्स्ट रिएक्शन, थर्ड एंड फर्स्ट रिएक्शन, दिस इज थर्ड रिएक्शन एंड फर्स्ट रिएक्शन, ये हेल्प कर सकता है. क्यों हेल्प, इसको क्यों सेलेक्ट, क्वेश्चन सॉल्व तो दूसरे रिएक्शन से भी हो जाएगा, बट इसको हम सिलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि ये 0.8 कैंसिल कर देगा, ठीक है ना. तो चलिए 3/1 करते हैं. 3/1 करने से हमें क्या मिल रहा है, के इंटू 0.01 टू दी पार ए अपॉन के इंटू 0.04 टू दी पार ए इंटू, उसके बाद जो है वो तो कैंसिल हो रहा है, टू दी पार बी 0.08 टू दी पार बी इज इक्वल टू 3/a. 3/1 किया है ना, 156 इधर और इधर 39, सॉरी हमने तो रेट निकाल लिया है, इसके थ्रू क्यों जाएंगे. तो हम जाएंगे किसके थ्रू, 3/1 करते ही हमें मिल रहा है x/4x. इट मींस दिस इज 1/4 एंड इधर भी 1/4 टू द पावर a ही था, इसका मतलब है यहाँ पर भी a की वैल्यू 1 आ गई है. तो अब समझ में आ गया कि हमारा जो रिएक्शन है उसमें a और b दोनों के रेस्पेक्ट में, फर्स्ट दोनों ही रिएजेंट के रेस्पेक्ट में आवर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1 and 1. ओके, सो अब बताना है एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ एक्सपेरिमेंट फॉर 4. तो आप थर्ड का केस तो जानते हो, थर्ड का केस यू नो राइट. अब फोर्थ का केस निकालना है, फोर्थ में क्या होगा. तो चलिए इनको कंपेयर कर लेते हैं. आप क्या कर रहे हो थर्ड और फोर्थ में, समझना इस पॉइंट पे, हमने 0.01 से 0.02 कर दिया, मतलब कॉन्सेंट्रेशन को आप डबल कर दियो. कॉन्सेंट्रेशन को अगर आप डबल करोगे तो रेट भी डबल हो जाएगी, है ना, क्योंकि ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए इज 1, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी इज ऑल्सो 1. यहां पर हम क्या कर रहे हैं, इसे तो डबल किया और इसको क्या कर दिया 1/4 कर दिया. तो एक को डबल कर दियो, एक को 1/4 कर दियो, तो अब रेट का क्या होगा, रेट का क्या होगा, एक को आप डबल कियो और एक को आप 1/4 कियो, इसका मतलब है, इसका मतलब है रेट विल बिकम हाफ, रेट हाफ हो जाएगी. किससे हाफ हो जाएगी, थर्ड, थर्ड रिएक्शन से कंपेयर कर रहे हैं तो रेट ऑफ फोर्थ रिएक्शन विल बी हाफ ऑफ थर्ड रिएक्शन. तीसरे रिएक्शन से ये वाला जो रेट है वो आधी आएगी, और अगर रेट हाफ आ रही है इसका मतलब है टाइम डबल लग रहा है ना. तो यहाँ पर टाइम कितना फिर यूज हो रहा होगा, 156 into 2 seconds, दैट इज 312 seconds, राइट. तो फिर ऑप्शन नंबर 20 का क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन इज सी. ओके, तो क्वेश्चन इजी था इस बार का, सिंपल था. जिस भी क्वेश्चन में आप मिस्टेक किए हो उनको देखो, सॉल्व करो. ओके, ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट क्विज. थैंक यू.